नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में बात विवाद की हो तो जमीन के मामले सबसे ऊपर गिने जाते हैं। जमीन मामलों को लेकर तो कई बार भाई भाई का दुश्मन तो पट्टेदारी में दुश्मनी का कारण बन जाती है। इतना ही नहीं, बिहार से बाहर अब जब भी जाएंगे तो और किसी को ये बताएंगे कि बिहार से हैं तो वो एक बार ये जरूर कहेगा कि बिहार में अपराध बहुत है, जमीन को लेकर फलना बाबू के यहाँ पर मातम है तो कहीं और कुछ समस्या है। इन्हीं समस्याओं को और बिहार की खराब हो रही छवि को सुधारने के लिए बिहार सरकार जमीन विवाद को सुलझाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने एक और खास पहल की है, जिसके तहत निजी रैयती जमीन के विवादों को देखने की जिम्मेदारी अब DCLR यानी कि डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म को दी गई है, जिसके तहत ही अब DCLR भी निजी रैयती जमीन के विवाद से जुड़े केस को देखेगा। इतना ही नहीं, अब किसी भी विवाद में DCLR की तरफ से लिए गए फैसले की अपील सीधे प्रमंडलीय आयुक्त के कोर्ट में की जा सकेगी। इस काम में अंचला अधिकारी और संबंधित थाना को भी लगाया गया है। जानकारों की माने तो जमीन विवाद के फैसले को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है, जिससे एक बात तो साफ है कि बिहार में जमीन विवाद निराकरण अधिनियम 2009 फिर से पुराने रूप में लागू हो गया है। आपको बता दें कि 2009 में बने भूमि विवाद निराकरण अधिनियम में DCLR को निजी जमीन का विवाद देखने का अधिकार भी दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान अधिनियम की इस व्यस्तता को निरस्त कर दिया था। हालांकि सरकार का यह फैसला कोई नया नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था पहले भी थी कि DCLR रैयती जमीन से जुड़े विवाद को देखने का काम करते थे, लेकिन सरकार ने इस फैसले को 5 साल पहले ही खत्म कर दिया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत हुई है और DCLR की रैयती जमीन से जुड़े विवाद के निपटारे की जिम्मेदारी दी गई है। यकीनन सरकार के इस नए फैसले से जमीन विवाद सुलझाने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब जमीन से जुड़े छोटे विवादों को लेकर लोग सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे। इस व्यवस्था के न होने से सिविल कोर्ट में ऐसे मामलों के निपटारे में काफी लंबा वक्त लग जाता था। ऐसे में अब इस नई व्यवस्था की मदद से DCLR कोर्ट से फैसला जल्दी आ जाएगा और उसकी अपील भी कमिश्नर कोर्ट में की जा सकेगी। हालांकि अब सवाल ये है कि जब सरकार ने 5 साल पहले इस फैसले को निरस्त कर दिया था तो फिर सरकार को क्या जरूरत आन पड़ी कि दोबारा से इसी फैसले को लागू किया जाए। ऐसे में जानकारों की माने तो इस पुराने फैसले को दोबारा से लागू करने की सरकार की यही मंशा है कि कोर्ट के ऊपर काम के दबाव को कम किया जाए। फिलहाल DCLR को सिर्फ सरकारी जमीन का विवाद देखने का अधिकार दिया गया है, जिसके बाद अब सरकार के इस फैसले से जमीन विवाद सुलझाने में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।